बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं और दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अच्छा दोस्तों, तो भाई आज हम लोग फिर वीडियो बना रहे हैं टोकल पे। इसको टोकल भी कहते हैं और इसको पतंग भी कहते हैं। पंजाब में इसको है ना पतंग कहते हैं। क्योंकि ये वीडियो दोबारा इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी है दोस्तों, तो इसमें मैंने कुछ गलत सिखाया था आपको, कुछ गलत इसकी इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसकी वजह से मैं ये दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। और इसकी मैं आज आपको पूरी बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दूंगा इसके किस तरीके से कन्ने बने जाएंगे और अगर वो साइड लेती है तो क्या करना चाहिए हमें। तो भाई हमारे एक सब्सक्राइबर दोस्त है हमारे, जो बहुत पुराने दोस्त है हमारे, सब्सक्राइबर भी है, उन्होंने मुझे वीडियो भेजी। उन्होंने बताया कि भाई इस तरीके से ना इसके अगर साइड ले तो इस तरीके से इसकी है ना कन्ने बांधने चाहिए और ताकि ये साइड नहीं ले, और साइड न लेने से बचने के लिए इन्होंने कुछ टिप दी है। वो टिप मैं आपको आज बताऊंगा और कन्ने बांधने का सही तरीका दोबारा से बताऊंगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आइए दोस्तों, शुरू करते हैं, जल्द से जल्द शुरू करते हैं कि इसके कन्ने किस तरीके से बांधने जाएंगे और अगर साइड गिरे तो हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों भाई ध्यान से देखो, ध्यान से देखो दोस्तों, ये मैंने इससे पहले वीडियो में जो कन्ने बांधे थे ना, तो कन्ने तो मैंने बिल्कुल ही सही बांधे थे। देखें, और ये देखें ये कन्ने बांधे हैं, एक मिनट, ये कन्ने दोस्तों मैंने बिल्कुल सही बांधे। देखें कन्ने जो मैंने बांधे थे ना, बिल्कुल सही बांधे थे, क्योंकि हमारे जो ईशान खान है उनसे वो बिल्कुल उड़ाते रहते हैं। तो इन्होंने देखा, ये मुझे बताया था कि ना इस तरीके से यहाँ पर कन्ने बांधने चाहिए, तो ताकि यहाँ पर ये फंसे नहीं, यहाँ पर फंस के इधर नहीं फंस जाए। तो मैंने कन्ने तो बिल्कुल सही बांधे दोस्तों, ये देखें यहाँ से भी बिल्कुल सही बांधे। और ईशान भाई भी देखेंगे तो पता चल जाएगा ये मेरे पुराने कन्ने, मैंने कन्ने बिल्कुल सही बांधे, बिल्कुल वही तरीका है कन्ने बांधने का जैसे होता है। तो एक बार फिर मैं आपको दोबारा बताता हूँ मैंने किस तरीके से कन्ने बांधे। भाई यहाँ पर हम लोगों ने गिठान बांधी, देखें यहाँ पर भी बांधे और जिस तरीके से यहाँ पर बांधा है ना, उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर भी बांधा है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसके मैं बताता हूँ कि मैंने कन्ने किस तरीके से बांधे। भाई देखिए, हम लोगों ने पहले इधर बांधा और इधर बांधा, उसके बाद हम लोगों ने ना इसको ऐसा कर दिया। देखिए यहाँ पर लिया है, देखिए इस किनारे से थोड़ा ऊपर लाना है ताकि इस पर फंसे नहीं, अभी फंसेगा नहीं, थोड़ा सा ऊंचा लगाना है। इस तरीके से इसको भी लगाना है, इधर ऊंचा लगाना है। देखिए मैंने ऊंचा लगाया हुआ, ठीक है। अब रहा इसका मसला, मैंने आपको ना इसके बारे में कुछ गलत बता दिया था, तो ये उसको हम लोग करेक्ट करते हैं कि भाई ये किस लिए दिया जाता है, किस लिए बांधा जाता है, लटकाने के लिए बांधा जाता है कि क्या क्या सूरत हाल है इसकी। तो दोस्तों भाई मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि भाई ये है ना, ये लटकाने के लिए भी बांधा जाता है, लेकिन इसकी इसकी बांधने की एक अलग लॉजिक है, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। तो अगर पतंग साइड गिरे, अगर मिसाल के तौर पे पतंग इधर गिरती है हमारी उड़ाते वक्त इधर गिरे ना, तो हमको दोस्तों क्या करना है, इसको बीच में से तोड़ना है। ये देखिए मैं तोड़ रहा हूँ, ठीक है। बीच में से तोड़ने के बाद अगर पतंग इधर गिरती है तो इसको और इसको हमको बांधना है। देखिए इस तरीके से बांधना है, ये देखें। अब मैं आपको ना इसको बांध के दिखाता हूँ, ये देखिए मैं इसको बांध के दिखाता हूँ कि इसको किस तरीके से बांधना है। ये देखिए मैं दोस्तों, ये पतंग समझ लो इस साइड गिर रही है, ठीक है, इस साइड गिर रही है। अब इसको हम लोगों को इस तरीके से बांधना है, देखिए ये देखें, ये हम लोगों ने बांध दिया, ठीक है। तो ये दोस्तों अब जो पतंग है ना, जो कन्ने यहाँ पर थे ना, वो इधर आ जाएंगे इस साइड में और इस साइड पे बांधेंगे। तो जब आप देखेंगे कि अगर सही हो गई है, सीधी उड़ रही है तो ठीक है, अगर सीधी नहीं उड़ रही तो थोड़ा और ऊंचा बांध देना, इसको यहाँ पर ले आना, सही है ना दोस्तों। तो ये इसका दोस्तों तरीकेकार है और आपको समझ आ गया होगा। अगर फर्ज करें यहाँ पर गिर रही है ना, तो आपको फिर यहाँ से इसको बांधना है, ठीक है, यहाँ से इसको बांधना है, सही है, ऐसे बांधना है। ये डोर दी इसलिए जाती है कि इसको बांधने के लिए। तो दोस्तों चले आइए हम लोग इसको उड़ाते हैं और उड़ा के फिर एक और इसको उड़ा के एक बार और फिर उड़ा के दिखाते हैं। अगर ये झुकती है, गिरती है, तो हम लोग इसको सीधा करके दिखाएंगे। तो ये थोड़ी सी उस तरफ झुकती थी ना, तो हम लोगों ने इस तरफ बांधा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसको उड़ाते हैं, चले आइए चेक करते हैं कि अब सही उड़ती है या नहीं उड़ती है, चले आइए। चले आइए दोस्तों, तो फिर हम लोग ना अपना टुक्कल गुडा यानी कि पतंग उड़ाते हैं, लाहौर में इसको पतंग कहते हैं पंजाब में। तो चले भाई आइए हम लोग शुरू करते हैं, मिकाइल इधर आओ। तो दोस्तों बस अभी उड़ा रहे हैं, आप देखें किस तरीके से उड़ती है। तो दोस्तों देखा आपने, ये ना इस तरफ और झुक रही है, तो चले आइए इसको हम लोग सही करते हैं।
सही। अब आपके सामने ये देखें, इसको ये इस तरफ झुक रही है, तो हम आइए इसको सही करते हैं। देखिए दोस्तों, आपने देखा इसको है ना, ये इस तरफ झुक रही है। चलिए इसको और सही करते हैं और फिर इसको उड़ाते हैं। अच्छा दोस्तों, तो भाई चले आइए, हम लोग है ना इसको फिर उड़ाते हैं। एक मिनट गया, तो दोस्तों हम लोग फिर इसको उड़ाते हैं, और इस दफा हमारी बच्चे करने देगी, बच्ची करने देगी। तो भाई चले आइए उड़ाते, शुरू करते हैं। चलो उड़ा उड़ाओ। ओ दोस्तों, कामयाब हो गए हम लोग। देखा दोस्तों, अब आपने देखा कि हमारी पतंग पहले उस तरफ झुक रही थी, अब देखा आपने कि अब इस तरफ झुक रही, सही हो गई बिल्कुल। देखा दोस्तों, तो बिल्कुल यार ये तरीका कार था। देखो दोस्तों, पतंग को सही करने का। और हमारे सब्सक्राइबर है जीशान खान, इनका हम लोग शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने हम लोग को तकल उड़ाने का तरीका सिखाया, और इसके झुकने का राज भी बताया कि जो झुकते हैं उसको कैसे सही किया जाए। देखा दोस्तों, कितनी अच्छी पतंग उड़ रही है और बहुत हल्की पतंग है, मज़ा आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम मगरिब हो रही है, और हम लोगों ने आपको तरीका सिखा दिया है कि भाई इसको किस तरीके से सही किया जाए। और अगर ऋशान भाई हमारी वीडियो देखे तो यार कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि भाई मैंने वीडियो सही बनाई है और सही बताया इस दफ़ा। हमारे सारे जितने भी पंजाब के दोस्त हैं वो खुश हो जाएंगे कि भाई कराची वाले भी तो कल उड़ा सकते हैं। और ये देखे आ गई, वाह भाई वाह। तो देखा दोस्तों, हम लोगों ने टक्कल गुड्डा उड़ा लिया। ठीक है दोस्तों, तो भाई अब हम लोग है ना वीडियो खत्म करते हैं। यार दोस्तों, मेरी वीडियो को देखते रहिएगा, इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात करेंगे, और मेरी वीडियो देखते रहिएगा यार, फिर मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।